गुड नून स्टूडेंट्स, आज हम MSCCS फाइनल ईयर की एडवांस जावा क्लास के अंतर्गत MySQL के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि MySQL को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इसका जो क्वेश्चन एक्चुअल में आता है वो आता है कि व्हाट इज द MySQL एंड एक्सप्लेन इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन विद इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से MySQL का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो MySQL इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन गाइड के अंतर्गत सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं MySQL का, कि MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात RDBMS है। तो थोड़ा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शंस। SQL इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टिंग विथ रिलेशनल डेटाबेस। मतलब SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होती है। ऑन द अदर हैंड MySQL इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो MySQL एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। MySQL इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ओपन सोर्स एंड फ्री रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL एक बहुत ही यूजफुल और इंडस्ट्री के लिए एक ओपन सोर्स और फ्री रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट में RDBMS के नाम से जानते हैं। MySQL वॉज डेवलप्ड बाई माइकल मोंटी बिडनेस एंड डेविड एक्स मार्क इन 1995। MySQL को दो इंजीनियर माइकल मोंटी बिडनेस और डेविड एक्स मार्क ने 1995 में डेवलप किया था। इट वॉज ओन्ड बाई ए स्वेडिश कंपनी कॉल्ड MySQL AB, और वो अपनी खुद की कंपनी, एक स्वेडिश कंपनी थी जिसका नाम था MySQL AB, विच वॉज बॉट ओवर बाई सन माइक्रो सिस्टम इन 2008, जिसे बाद में सन माइक्रो सिस्टम ने 2008 में खरीद लिया था। सन माइक्रो सिस्टम वॉज एक्वायर्ड बाई ओरेकल इन 2010, बाद में सन माइक्रो सिस्टम को भी ओरेकल ने खरीद लिया 2010 में। MySQL इज सक्सेसफुल नॉट ओनली बिकॉज इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। देयर आर मैनी फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस सच एज पोस्टेज SQL, अपाचे डर्बी, जावा DB जिसे कहते हैं, MySQL मिनी SQL, SQL लाइट एंड अपाचे ओपन ऑफिस बेस। तो कई सारे ओपन सोर्स हैं, बट ऑल्सो फॉर इट्स स्पीड, इजी ऑफ यूज, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्मॉल साइज एंड रिच फीचर्स। लेकिन जो MySQL में जो पाया जाता है वो किसी भी डेटाबेस के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड यूज करने में आसान, भरोसेमंद, परफॉर्मेंस अच्छी है, कनेक्टिविटी, फुल नेटवर्किंग सपोर्ट है इसको, पोर्टेबिलिटी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आसानी से रन किया जा सकता है, सिक्योरिटी के हिसाब से SSL सपोर्ट है इसको, साइज में स्मॉल है और फीचर्स बहुत सारे हैं।
MySQL supports all features expected in a high performance relational database. MySQL के अंतर्गत वे सभी फीचर्स सपोर्ट होते हैं जो एक हाई परफॉर्मेंस रिलेशनल डेटाबेस के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये फिगर है कि MySQL कैसे काम करता है। तो MySQL क्लाइंट्स, क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स, SQL कमांड्स को भेजता है और रिजल्ट के रूप में उसे उसका आउटपुट प्राप्त हो जाता है। MySQL सर्वर साइड IP एड्रेस और पोर्ट, तो सर्वर साइड प्रोग्राम्स में डेटाबेस 1, टेबल 1, टेबल 1 2, डेटाबेस 2 एंड द नेटवर्क में TCP/IP नेटवर्क्स, तो इसमें जो नेटवर्किंग सपोर्ट करती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, या आपको ऐसा ही मॉडल्स पढ़ा होगा उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। तो ये फ्रेमवर्क है, इसको कहा जा सकता है एक प्रकार का, जो MySQL के साथ, सॉरी MySQL को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे MySQL को इंस्टॉल किया जाता है, देन इंस्टॉल करने के बाद उसको कॉन्फिगर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है डाउनलोडेड MySQL इंस्टॉलर। सबसे पहले हमें MySQL इंस्टॉलर को डाउनलोड करना होता है। उसके लिए मैंने एक लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, टू डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर गो टू द फॉलोइंग लिंक्स, ये लिंक दी हुई है http://dev.mysql.com/downloads/installer, और वहाँ पर आपको MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी, यहाँ चूँकि 5.6.21.1 वहाँ जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उस लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉलर वहाँ पड़ा होगा, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आएगी, ओपन फाइल सिक्योरिटी वार्निंग, डू यू वांट टू रन दिस फाइल, क्या आप इस फाइल को रन करना चाहते हैं। तो यदि हाँ तो आप क्या कर देंगे, रन पर क्लिक कर देंगे। यदि किसी कारणवश आप रन नहीं करना चाहते तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो चूंकि हमें इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, रन पर क्लिक कर देंगे। जैसे रन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी और वो होगी यूजर एक्सेस कंट्रोल, अर्थात UAC। तो क्या कह रहा है ये, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन दिस कंप्यूटर। हमारा UAC हमसे पूछता है कि क्या आप इस इंस्टॉलर को जिसको आपने रन किया है, क्या आप अपने सिस्टम के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। तो उसका नाम, प्रोग्राम का नाम, वेरीफाइड पब्लिशर कौन है, किसके द्वारा है, फाइल ओरिजिन कहाँ पे है, और इसके बाद यदि हम करना चाहते हैं तो हम क्लिक में क्लिक कर देते हैं, एस पर क्लिक कर देते हैं, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो हम नो में, चूंकि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम एस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम एस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी और वो विंडो होगी लाइसेंस एग्रीमेंट की। चूंकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, चाहे मोबाइल के ऊपर कहीं पर भी हो, तो आपको क्या आवश्यक होता है, उसके टर्म्स और कंडीशंस, या हम कह सकते हैं उसके लाइसेंस टर्म्स, वो क्या है। तो बेसिकली लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है, क्या क्या उसके टर्म्स और कंडीशन है। पता चला इंस्टॉल करने के बाद कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग पढ़ते नहीं है और क्या करते हैं, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, रेड कलर का आपको एक रेडियो बटन, सॉरी चेक बॉक्स दिख रहा है, आप हम उस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, मतलब मैं आपके सभी टर्म्स और कंडीशंस को सपोर्ट करता हूँ या मैं मानता हूँ, एंड देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो हमारे सामने ओपन होती है। आप देख पा रहे होंगे MySQL इंस्टॉलर एडिंग कम्युनिटी के बगल में चार ऑप्शंस दिए हुए, लाइसेंस एग्रीमेंट, चूजिंग ए सेटअप टाइप, इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और इसके पहले आपको नहीं दिखा। तो एक्चुअल में जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से MySQL इंस्टॉलर का। तो सबसे पहले हम लाइसेंस एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, मीन्स जो उसके टर्म्स और कंडीशंस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, देन
अब इसके बाद हम एक नई विंडो आएगी, उस विंडो में हम क्या करेंगे, माई सिक्वल इंस्टॉलर से किस टाइप का सेटअप हम यूज करना चाहते हैं, कौन सा सेटअप, जैसे डेवलपमेंट डिफॉल्ट, यदि हम डेवलपमेंट डिफॉल्ट का सेटअप लेना चाहते हैं, सर्वर मतलब हम विंडोज सर्वर, जैसे इसको सर्वर के रूप में भी यूज करना चाहते हैं तो हम सर्वर ओनली पर क्लिक करेंगे, यदि हम क्लाइंट ओनली में क्लाइंट बस के लिए तो हम क्लाइंट में क्लिक करेंगे, यदि फुल वर्जन सभी हम करना चाहते हैं तो हम इंस्टॉल्स ऑल इंक्लूड माई सिक्वल प्रोडक्ट्स एंड फीचर, और नहीं तो हम क्या करना चाहते हैं, यदि कस्टम हम इसलिए करते हैं कि हमें हम अपने जरूरत के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होगी वो प्रोडक्ट्स इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे, या हमको इन फ्यूचर अगर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उन्हें आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चूजिंग ए सेटअप टाइप में माई सिक्वल इंस्टॉलर एडिंग कम्युनिटी के नीचे आप देखें जहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट लास्ट पेज में था वहाँ पर चूजिंग ए सेटअप टाइप है, तो चूजिंग ए सेटअप टाइप में हमने कस्टम को किया, तो देखिए कस्टम में सेटअप टाइप डिस्क्रिप्शन है, अलाउ यू सेलेक्ट एग्जैक्टली विच प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू इंस्टॉल, दिस ऑल्सो अलाउ द पिक अदर सर्वर वर्जन एंड आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन द योर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार ये हमें जो सुविधाएं हैं जिन 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 पैकेजेस को हमें इंस्टॉल करना, जो पैकेजेस हम लेना चाहते वे सारे के सारे पैकेजेस इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो कस्टम पर हमने क्लिक कर दिया, कस्टम पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यदि हमें किसी और टाइप को इसके सेटअप टाइप को रन करना है तो सॉरी इंस्टॉल करना है तो हम उस पर इसको क्लिक कर देंगे, तो हम चूंकि यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर रहे हैं तो कस्टम पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई विंडो फिर से ओपन होती है और आप माई सिक्वल इंस्टॉलर एडिंग कम्युनिटी के नीचे देखिएगा चूजिंग ए सेटअप टाइप तो हो गया, अब सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड फीचर्स, अब आपको कौन से प्रोडक्ट्स को किसको आपको रन करना है, तो हम यहाँ पर किसको क्लिक करते हैं, माई सिक्वल सर्वर, तो माई सिक्वल सर्वर 5.6, माई सिक्वल सर्वर 5.6 2.1, माई सिक्वल सर्वर 5.6 2.1 और माई सिक्वल वर्क बेंच, अप्लीकेशन का क्या रहेगा, माई सिक्वल वर्क बेंच 6.2, माई सिक्वल वर्क बेंच 6.2.3 एंड द माई सिक्वल वर्क बेंच 6.2.3। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर, जो भी इनमें से दो में से इंस्टॉल करना है माई सिक्वल सर्वर में तो उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमें जिस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसके फीचर्स के साथ, प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ उसको इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट विंडो पर चला जाएगा। अब नेक्स्ट विंडो में हमने किसको किया है, माई सिक्वल सर्वर 5.6.21 एंड माई सिक्वल वर्क बेंच 6.2.3 इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड फीचर्स पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है जो कि हमने पीछे की विंडो में आपको दिखाया था। सेलेक्ट करने के बाद हम बटन पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद फिर क्या आएगा, अब क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा कि इसमें आएगा चेक रिक्वायरमेंट्स। अब चेक रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि वो आपके सिस्टम पर जाकर ये चेक करता है कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये क्या पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यदि फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, आपको एक मैसेज जनरेट करेगा या आपका सेटअप फेल्ड करके एक मैसेज जनरेट करेगा और उस मैसेज को जैसे जनरेट करेगा मीन्स आप उसके क्राइटेरिया को आपका सिस्टम फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स चेक कर लिया, रिक्वायरमेंट्स उसने चेक कर लिया, देन हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन में देखिए हमारे पास क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, माई सिक्वल सर्वर 5.6.21 एंड द माई सिक्वल वर्क बेंच 6.2.3 और दोनों पे रेडी टू इंस्टॉल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या होगा, अगर हम इन दोनों को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नीचे तीन बटने आपको दिख रही होंगी, बैक एग्जीक्यूट कैंसिल, यदि किसी कोई भी आप कमी रह गई है तो हमें बैक पे क्लिक करके जाके चले जाते हैं, यदि हम इस सेटअप को कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन क्या हो जाता है, प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए एक नई विंडो हमारे पास आती है और
उसी विंडो में पिछले विंडो में आप देखे होंगे यहाँ पर माई सिक्वल प्रोडक्ट के नीचे माई सिक्वल का लोगो बना हुआ है और इस विंडो में आप देखेंगे माई सिक्वल प्रोडक्ट विंडो के पहले ट्रू ट्रू दो एक सिंबल्स ग्रीन उस पर दिख रहे हैं और स्टेटस में यहाँ पे देखिए स्टेटस में क्या दिख रहा था आपको रेडी टू इंस्टॉल और इस पर स्टेटस में आपको दिख रहा है कंप्लीट कंप्लीट मींस आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। यदि आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो शो डिटेल्स का ऑप्शन एक दिख रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारा चूंकि इंस्टॉलेशन के स्टेप्स यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, अब हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें उसी में MySQL इंस्टॉलर एडिंग कम्युनिटी पे इंस्टॉलेशन के बाद चूजिंग ए सेटअप टाइप सेलेक्ट ए प्रोडक्ट एंड फीचर्स इंस्टॉलेशन के बाद प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वी विल नो वॉक थ्रू ए कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। You can cancel at any point if you wish to leave this wizard without configuring all the product. Means यदि आप अपने product को configure नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर cancel button को click करके इसको leave out कर सकते हैं, लेकिन यदि आप configure नहीं करेंगे तो आगे चलकर जब आप इसको setup को run करेंगे तो आपको problem आ सकती है। इसलिए हमें इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर का मतलब होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो भी इन्वायरमेंट बनाना चाहे उस इन्वायरमेंट पर आसानी से काम कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इंस्टॉलर के साथ आता है। आप MySQL इंस्टॉलर MySQL सर्वर 5.62.1 पे टाइप एंड नेटवर्किंग सबसे पहला। तो टाइप एंड नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं, चूंकि हम सर्वर मशीन पर काम करेंगे तो हम यहाँ पर तीन है हमारे पास, डेवलपमेंट मशीन, सर्वर मशीन और डेडिकेटेड मशीन। तो चूज देखिए सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टाइप में चूज द करेक्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टाइप फॉर दिस MySQL सर्वर इंस्टॉलेशन। वो कह रहा है कि आपने जो सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है MySQL उसको करेक्ट जो एक्चुअल उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो उसी को आप चूज करें। दिस सेटिंग विल डिफाइंड हाउ मच सिस्टम रिसोर्सेज आर असाइंड टू द MySQL सर्वर इंस्टेंस। मीन्स इससे आपके सिस्टम में क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि उसको कितना लोड पड़ेगा, उसको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो यहीं से निश्चित कर लेगा। तो हम क्या करते हैं सर्वर मशीन पर क्लिक कर देते हैं। सर्वर मशीन पर क्लिक करने के बाद अगर चाहें तो शो एडवांस ऑप्शन, तो शो एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, आपसे इंटर द पासवर्ड फॉर द रूट अकाउंट, प्लीज रिमेंबर टू स्टोर दिस पासवर्ड इन द सिक्योर प्लेस। मतलब यहाँ पर आपका रूट पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड आप देंगे उस पासवर्ड को यहाँ पर वो मांगेगा और एक इंडिकेशन भी यहाँ पर दे रहा है कि आप अपने पासवर्ड को बड़ा सुरक्षित जगह पर रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कोई भी एक पासवर्ड दे देते हैं, बेसिकली MySQL का डिफॉल्ट पासवर्ड रूट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड देकर, पासवर्ड देने के बाद रिपीट पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा से रिपीट कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए कॉन्फ़िगर MySQL सर्वर एज विंडोज सर्विस। तो MySQL इंस्टॉलर MySQL सर्वर 5.6.21 पर विंडोज सर्विसेज, टाइप एंड नेटवर्किंग हो गया, अकाउंट्स एंड रोल हो गया, विंडोज सर्विसेज में आए। तो विंडोज सर्विस कॉन्फ़िगर MySQL सर्वर एज ए विंडोज सर्विस, क्योंकि अपन विंडोज के लिए काम करेंगे। एंड द स्टार्ट द MySQL सर्वर एट द सिस्टम स्टार्टअप, जैसे सिस्टम स्टार्ट हो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए। और स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट कस्टम यूजर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ एडवांस ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो एडवांस ऑप्शन में हम क्या, सर्वर क्वेरी लॉग और सर्वर आईडी, ये यहाँ पर दिया हुआ है डिफॉल्ट रूप से। तो इसमें देखिए लॉगिंग ऑप्शन में है, लॉगिन दिए बिन omsnine1qubxbi.err एरर लॉग है। फिर इसको हम यहीं पर 16 क्वेरी, उसको क्वेरी के रन करने के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पर
क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या करता है, आप देख पा रहे होंगे MySQL डॉट इंस्टॉलर MySQL सर्वर 5.6.21 में टाइप एंड नेटवर्किंग अकाउंट्स एंड रोल विंडोज सर्विस एंड एडवांस ऑप्शन के बाद अप्लाई सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सर्वर हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, स्टॉपिंग सर्वर इफ नेसेसरी, राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अपडेटिंग फायरवॉल, एडजस्टिंग विंडोज सर्विस, स्टार्टिंग सर्वर, अप्लाइंग सिक्योरिटी सेटिंग, क्रिएटिंग यूजर अकाउंट्स, अपडेटिंग स्टार्ट मेनू लिंक, और इसके बाद क्या करते हैं एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देखिए लास्ट पेज में देखिए आप सब ये रेडियो बटन ब्लैंक है और नेक्स्ट पेज में आप देखिए सभी रेडियो बटन पर टिक का निशान, मतलब सही है। अगर इनमें से कोई किसी में प्रॉब्लम होती तो क्रॉस का निशान आ जाता, मींस हमारा कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया और हमारा MySQL इंस्टॉलर काम नहीं करेगा। तो चूंकि यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो गया है तो नीचे मैसेज आ गया, कॉन्फ़िगरेशन फॉर MySQL सर्वर 5.6.21 हैज सक्सीड, प्लीज क्लिक फिनिश टू द कंटिन्यू। और हम अब फिनिश बटन पे हमसे कह रहा है कि फिनिश बटन पर आप क्लिक करिए ताकि मैं आगे इसको बढ़ा सकूं। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके एक मैसेज आ जाता है, द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हैज बीन कंप्लीटेड, कॉपी लॉक टू द कीबोर्ड और स्टार्ट MySQL वर्कबेंच आफ्टर सेटअप। मतलब और अब कह रहा है कि अब आप फिनिश बटन पर जैसे क्लिक करेंगे और इस बटन पर आप क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पे तो मैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो, मतलब शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका MySQL को इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मेन एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और यदि कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो थैंक्स आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एडवांस जावा की क्लास फिर से स्टार्ट कर दिया है। यदि कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आप लोगों को दोबारा से पढ़ाना हो या पढ़ना हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करें ताकि मैं उन्हीं के हिसाब से वीडियो क्लास लेक्चर ले सकूँ और लाइव क्लास आप लोगों को पढ़ा सकूँ। धन्यवाद।